तो दोस्तों आज हो गया 28 मई 2022 यूपी समेत देश में किसी भी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी ये खबर। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा मामले में लोकसभा की विशेष अधिकार कमेटी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव को तलब किया है। उन्हें 15 जून को कमेटी ने हाजिर होने को कहा है। विशेष अधिकार कमेटी ने महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ, मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और भाईकाला जेल के सुपरिटेंडेंट यशवंत भानुदास को भी तलब किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों नवनीत राणा ने प्रिविलेज कमेटी के सामने इन सभी लोगों का नाम लिया था। उन्होंने सभी पर बुरा बर्ताव करने और फंसाने का आरोप लगाया था। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस छोड़ जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। मीडिया सूत्रों का कहना है कि हार्दिक पटेल की भाजपा में ज्वाइनिंग की तारीख भी फिक्स हो गई है। अगले 3 से 4 दिनों में हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो जाएंगे। एक टीवी इंटरव्यू में हार्दिक पटेल ने खुद कहा है कि वो इस तारीख को भाजपा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल तमाम विरोधी स्वरों के बीच भाजपा में शामिल हो सकते हैं। गुजरात के अन्य पाटीदार नेता जो भाजपा में पहले से हैं वो हार्दिक पटेल की भाजपा में एंट्री को लेकर खुश नहीं है, लेकिन उन नेताओं के विरोध स्वरों के बीच हार्दिक पटेल ने खुद दावा किया है कि वो 30 या 31 मई को भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे। मुंबई क्रूज केस में आर्यन खान को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद समीर वानखड़े के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई का आदेश दे दिया है। दरअसल एनसीबी ने शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश की है, इसमें आर्यन खान का नाम ही नहीं है। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने को लेकर एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान ने माना है कि इस मामले में समीर वानखड़े और उनकी टीम से गलती हुई है। दरअसल समीर वानखड़े उस वक्त इस मामले में जांच अधिकारी थे। आपको बता दें कि आज तक के मुताबिक सरकार ने आर्यन खान ड्रग्स बरामदगी मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखड़े की गलत जाँच के लिए सक्षम प्राधिकारी से उचित कार्रवाई करने को कहा है। राज्यसभा चुनाव से पहले आरजेडी में एक बड़ी टूट सामने आ रही है। दिवंगत नेता और सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी जेडीयू ज्वाइन कर सकती है। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से हिना शाह को राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद सिवान के शहाबुद्दीन समर्थकों में गुस्सा है। उन्होंने कल सिवान के एक होटल में बड़ी बैठक की, उसके बाद तकरीबन 5,000 समर्थक शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर पहुंचे। यहां उन्होंने हिना साहब से मुलाकात की। हिना साहब ने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया है कि जो निर्णय कार्यकर्ताओं का होगा उस पर वो अमल करेंगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 5 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया है। ये कमेटी तय करेगी कि कानून किस तरह से होगा। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने शुक्रवार को कहा है कि वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में अपने पिता को 4 साल कैद की सजा सुनाने के दिल्ली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दें कि अभय चौटाला ने कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। आने वाले 2 दिनों में शनिवार और रविवार को हम अपने वकील से सलाह लेंगे और फिर सोमवार या मंगलवार को हम उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। आप मुसलमानों से इस्लाम से नफरत करते, इसलिए इस तरह से आप ये अनाप शनाप बकते रहते। मुगलों को जिम्मेदार करार देता हूँ पेट्रोल की कीमत का, बल्कि औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का। अकबर बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी का। इसको मानता हूँ। असम में 7 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं, 18 लोगों की मौत हुई है, मगर ये मुख्यमंत्री को असम की जनता की तकलीफ की फिक्र नहीं है, उसको मदरसे की फिक्र है। ये मुख्यमंत्री को जानना चाहिए, जो हिस्ट्री का वीक स्टूडेंट है, कि जब संघी लोग अंग्रेज़ों से मिले हुए थे और जेल में बैठकर अंग्रेज़ों से माफ़ी की भीख मांग रहे थे, यही मदरसे के ज़िम्मेदारों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया, यही मदरसे से पढ़ने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानें दे दी, और ये इनका एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। वो इस तरह से इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए इस तरह की बकवास करते रहते हैं। क्या राजा राम मोहन राय मदरसे में पढ़े थे या शाखा में पढ़े थे? और शाखाओं में और मदरसों में फ़र्क यह है कि मदरसों में इंसानियत का सबक सिखाया जाता,
इंसानियत से हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता, तो इनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती और इनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में साइंस, मैथ्स सब पढ़ाया जाता और मदरसों के ज़रिए से ही भारत को और ख़ूबसूरत बनाया गया, तो इनको इन सब चीज़ों से मालूमात नहीं है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम नहीं चला रही है? क्या सालाना भारत की पार्लियामेंट में उसका बजट मंजूर नहीं होता है क्या? तो इनको सिर्फ मुसलमानों से और इस्लाम से नफरत है, ये खुल के आ गया। उनकी आपको पता करना है तो पैराग्राफ 84 बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ लीजिए, वो डिटेल्स हैं, बाकी सब आपके दिमाग की इमेजिनेशन है जिस पर आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं और मेरा वक्त जाया कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो सब वो बोले करे नहीं, आप मेरे को ऑर्डर में बताओ, ऑर्डर में लिखा कुछ आपको बोल दिया, आपके स्टूडियो में बैठकर ज्ञान दे रहा, आपको हिमाकत कर रहा है, अलीफ का नाम भाला नहीं आता, थम्स अप है वो, मगर हमारे एडिटर ना, आपके एडिटर थम्स अप है, आपके एडिटर थम्स अप है, उनको नहीं मालूम। अगर हाँ लीगल एडिटर को क्या बात कर रहे हैं, अरे ऑर्डर में लिखा, बोलो लीगल एडिटर को बताओ, बोलो सर, हम कल के रिपोर्ट जो लीक हुआ उसमें साफ साफ बताया गया, कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिपोर्ट को लीक होना नहीं चाहिए। आज सुनिए, नहीं आप कम से कम उसको तो फॉलो करो, आप रिपोर्ट लीक होती यार आप कैरी कर देते, कौन दिया रिपोर्ट आपको मालूम? आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहां पे सुनेंगे। अब आप रिपोर्ट कैरी कर ले कि अब आपके एंकर जज बन गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, मेरी राय ये है कि वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश ही नहीं हुई और जिसको सर्वे कमिश्नर बनाया गया था उसको हटा दिया गया, वो बेचारे को तकलीफ हो गई, पेट में दर्द हो गया, तो उसने अपना गुस्सा किसी और पे निकालने के लिए आप लोगों को अपना मित्र समझकर दे दिया और आप लोग माशाल्लाह उसके दोस्त निकले, आपने रिपोर्ट को कैरी कर दिया, आपने लाइव कैरी कर दिया, इस बात पर भी नहीं सोचा कि रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी चाहिए, मगर आप लोगों को जल्दी है कि इसका TRP ना बढ़ जाए, मेरा TRP कम ना हो जाए। फाउंटेन 500 साल से है प्यारे, फाउंटेन सुनिए प्यारे फाउंटेन 500 साल से वहाँ पे, 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहाँ पे, 300 साल बोला, 500 साल है।